महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो फिर भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारे एमपी की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। उन्हें भी हमारा सपोर्ट करना जरूरी है, अगर वो सपोर्ट करे तो हो सकता है हमें जल्दी न्याय मिले। इवन अभी तक किसी मंत्री सीएम किसी का भी रिएक्शन नहीं आया इस मामले में, नहीं, जबकि उनको तो अपनी अपने एमपी के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना था अभी तक, जबकि हम महाराष्ट्र के नहीं भी हैं तब भी वो हमारे महाराष्ट्र वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी तो पहले इनका तो पहले बनता है कि ये कुछ बोले, क्योंकि अपने एमपी में तो इतना नहीं हो रहा है जितना महाराष्ट्र में हो रहा है, तो पूरा इंडिया एकजुट हो जाए तो हो सकता है हमें न्याय जल्दी मिले और आगे वाला आगे लोगों को कुछ सबक मिले। क्या आपको ऐसा लगता है यदि एमपी में ऐसी पूरी सुविधाएं होती तो हमारी बेटी महाराष्ट्र में आ जाती? बिल्कुल सही, हमें वहाँ से कॉल आया बेटी के लिए, तो हमें जाने के लिए कोई साधन नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी होती तो हम तुरंत मतलब पूना पहुँच जाते, ना फ्लाइट की व्यवस्था ना कुछ, बाय रोड हमें कार से जाना पड़ा, मतलब इतनी दिक्कत होती है कि थोड़ा बहुत तो अपना एमपी भी सुधरना चाहिए। नाम आपका? ममता कोस्टा। कुछ तो डर भी लगता है कि बड़े बड़े लोग हैं, कोई आवाज़ उठाने को, जब तक कोई अपने घर, हम जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिसको हम चुन के लाते हैं, वो थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हो सकता है कि ये केस जल्द से जल्द हमें न्याय मिल जाए।